RA is not only Rajesh Enterprises but also Right Choice with excellent work. नमस्कार, मैं राजेश फुले, MD of राजेश Enterprises. इस नई वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूँ. ये जो मशीन बनाया हुआ है गोल्ड डोरेबार माइनिंग रिफाइनिंग के लिए, इसकी जो कैपेसिटी है ये 200 kg की है और इसमें अवेलेबिलिटी 10 kg टू 1 टन कैपेसिटी तक अवेलेबल है. ये मशीन वर्ल्ड में 10 टू 15 कंट्री में इंस्टॉल हुआ है. एग्जांपल में US, लंदन, कनाडा, कतार, दुबई, मॉरिशस और कई कंट्री में. इस मशीन के अंदर जो बेनिफिट है, स्पेशली ये टाइटेनियम का बनाया हुआ है. इसमें जो रिफाइनिंग होता है गोल्ड, जो इसमें रिफाइनिंग होता है वो पूरा का पूरा डिसोल्यूशन हो जाता है. सेकंड थिंग, इसके अंदर ऑटोमाइजेशन केमिकल लिफ्टिंग है जो पूरा का पूरा एसिड स्टोरेज में हो जाता है. सेकंड थिंग, फिल्ट्रेशन यूनिट है जो ऑटोमाइजेशन में काम करता है. और दूसरा, ये जो वन टाइम प्रिसिपिटेशन, गोल्ड को प्रिसिपिटेशन करने वाला जो यूनिट बनाया हुआ है वो भी ऑटोमाइजेशन है. प्रिसिपिटेशन और फिल्ट्रेशन, जो फाइनल प्रोडक्ट आपको कॉपी टाइप में गोल्ड जो मिलेगा वो. दूसरा, ये जो मशीन है लोएस्ट लेबर में आप इसको चला सकते हैं. इसमें नो पोल्यूशन, कोई वाइब्रेशन नहीं है और लोएस्ट मेंटेनेंस में इसको लोएस्ट मेंटेनेंस में काम करता है. इस सेटअप के अंदर जो रिफाइनरी होता है उसकी जो कॉस्ट है, रिफाइनिंग कॉस्ट ओल्ड गोल्ड टू फाइनल प्रोडक्ट 49 प्योरिटी, जो आउटपुट गोल्ड अपने को निकलता है, इसकी मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस जो है वो 600 है, 600 इंडियन रुपीस. और ये पूरा का पूरा प्लांट साइकिलिंग है, डिसोल्यूशन से लेके पूरा प्रिसिपिटेशन से लेके फाइनल न्यूट्रलाइजेशन तक. इसमें कंडेंसर सिस्टम है, स्टोरेज है, ऑटोकटऑफ सेंसर सिस्टम है इसके अंदर और ऑटोमाइजेशन प्रिसिपिटेशन, और जो स्क्रबिंग सिस्टम बनाया वो पूरा PS7 का है. जब भी यहाँ से गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होने के बाद में पूरा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है. फिल्ट्रेशन हो के ये पूरा कनेक्टिविटी के साथ में पूरा इस प्रिसिपिटेशन में आ जाता है. इस प्रिसिपिटेशन में पूरा जो अपना गोल्ड है जो लिक्विड फॉर्म में आया है पूरा का पूरा इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस टैंक के अंदर, प्रिसिपिटेशन के अंदर ये पूरा लिक्विड टू पाउडर कन्वर्ट हो जाता है. ये जो प्रिसिपिटेशन बनाया हुआ है वो भी टाइटेनियम मटेरियल का है और इसमें कूलिंग सिस्टम, स्टरिंग सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम इसके अंदर इनबिल्ट है. जो इसमें से रिएक्शन होके गोल्ड जब डिसॉल्व होता है तो जो रिएक्शन होने के बाद में जो उसका फ्यूम्स जो निकलता है वो पूरा का पूरा इस स्क्रबर में न्यूट्रलाइज होता है. ये जो स्क्रबर है पूरा PS7 अप्रूव्ड है. ये पूरा एक साइक्लिंग स्ट्रक्चर है और इस मशीन के अंदर, इस प्लांट के अंदर जो भी रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट यूज़ किया है ये पूरा इम्पोर्टेड क्वालिटी का है. इस मशीन के अंदर खाली माइनिंग डोरेबार गोल्ड ही रिफाइनिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है. ये प्लांट लोकल का जो गोल्ड रिसाइकलिंग होता है
जो एक्सचेंज होता है मार्केट का, आपके पास वॉल्यूम में काम करना है तो ये मशीन आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मिनिमम 10 kg से लेके 1 ton तक कैपेसिटी अवेलेबल है। मतलब आपके मार्केट में डेली का आपका रिफाइनिंग क्वांटिटी 10 kg से लेके 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, ये डिफरेंट वेरिएशन में मशीन मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। और दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर हमारे 7 सर्विस सेंटर्स हैं, 24 घंटे एक्टिविटीज़ में हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और ये मशीन जो बनाई हुई है, ये इसके अंदर जो बेनिफिट्स है जो मैंने आपको बताया है, ऑटोमाइजेशन, लिक्विड लिफ्टिंग, पूरा डिसोल्यूशन, कम टाइम में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और वॉल्यूम में हम लोग काम कर सकते हैं। इसके बॉटम में भी, मशीन के बॉटम में भी हम लोग पूरा का पूरा नॉन कोरेजेबल फ्लोरिंग भी देते हैं, साथ में इंक्लूडिंग है इस प्लांट के अंदर। और एक कम टाइम में, कम लेबर में आपको पूरा बल्क प्रोडक्शन मिलेगा। ये बिल्कुल आपके लिए सुटेबल प्लांट है, जो डोरेबार रिफाइनिंग और लोकल मार्केट के लिए जो रिसाइकलिंग गोल्ड होता है उसके लिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग जो ज्वेलरी है उसका डस्ट रिफाइनिंग के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।